ठीक है, फिर टू के बाद क्या होगा, थ्री होगा, वो हम लिखे नहीं है, डॉट डॉट दे दिए, ठीक है। ये वन बाई रूट ओवर कितना है, एन स्क्वायर एन माइनस वन का वन स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे ये वन, वन के बाद कितना हो गया टू, वन ऐड कर दिए, तो इसी तरह एन माइनस वन में अगर वन ऐड करोगे तो कितना होगा, एन होगा। यानी इसके बाद हम ऐसे करते लिखेंगे, रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे आ गया, ये तो था नहीं, ये था नहीं। तो यहाँ पे अगर ये हम करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा ना, वन बाई जीरो आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन से शुरू हुआ है तो कितना पे खत्म होगा, एन पे खत्म होगा, एन माइनस वन के बाद क्या आता है, एन आ गया। एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ जीरो से शुरू करेंगे तो वन बाई एन, वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है ना। तो अगर एन माइनस वन से शुरू है तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, वन बाई एन, इसको इसके आगे, इसके आगे में क्या लिख देंगे, वन बाई रूट ओवर इसी का देख के एन स्क्वायर, वन के ठीक आगे क्या होता है। अब तुम बोलोगे ये कैसे आया, ये तो था नहीं, तो तुम जीरो माने कुछ नहीं, एन स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा, एन, तो वन बाई एन, तो एन का वैल्यू अगर इन्फिनिटी बैठाओगे तो ये याद रखो कि वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, जीरो आता है। तो ये तुम सम में अलग से लिख सकते हो, लिमिट ये कितना हो गया, एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो तुमने इस सम में एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, ये वाला ऐड किया अपने मन से, पता कैसे चला, लास्ट वाला कितना है, इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या है, जीरो। अब सेट हो गया, अब फॉर्मूला पे जब सेट हो गया तो नेक्स्ट वाला तुमको क्या लाना है, वन बाई एन लाना है। तो वन बाई एन लाना है तो एन स्क्वायर कॉमन ले लो। तुम बोलोगे सर कैसे कॉमन होगा, यहाँ पे तो एन स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे तो है, तो कॉमन जब लेंगे तो ये एन स्क्वायर इसके नीचे चलाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो देखो कॉमन लेंगे यहाँ पे, लिमिट एन टेन टू क्या होगा, इन्फिनिटी वन बाई रूट ओवर, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लिए, वन माइनस जीरो स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, समझना है, ये हो गया ठीक। उसके बाद वाला कितना होगा बोलो, रूट ओवर एन स्क्वायर, तो कितना होगा, वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक। इसके बाद वाला बोलो, रूट ओवर एन स्क्वायर वन माइनस टू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में ऐसे, फिर यहाँ पे भी एन स्क्वायर कॉमन ले लिए, वन माइनस कितना होगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। और ये एन स्क्वायर है तो रूट ओवर के बाहर आ जाएगा, कितना होगा बोलो, वन बाई एन होगा। जब ये वन बाई एन होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, वन बाई रूट ओवर वन माइनस जीरो बाई एन का क्या स्क्वायर, फिर बोलो रूट ओवर वन माइनस वन बाई एन का क्या, ठीक है, बढ़िया। फिर ये तो बाहर आ गया ना, अच्छा सब में से कॉमन ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट ये समझ रहे हो लाइन, एन स्क्वायर के बाहर एन आ गया तो वन बाई एन, ये भी एन स्क्वायर के बाहर आ गया एन, रूट ओवर के बाहर आ गया तो वन बाई एन, तो सब में होगा, हमने कॉमन ले लिया, उसी लिए वहाँ पे लिखे नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, वन बाई टू बाई एन का क्या स्क्वायर,
लास्ट में वन बाई ये हटा देंगे, वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर बाई क्या हो गया एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक ही बार में लिख दे रहे यहाँ पे क्या होगा, एक साथ ये और इसका स्क्वायर, ठीक है। और उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है, n tend to infinity 1 by n, ये ऐसे कर दिए। r का वैल्यू कहाँ से शुरू है, खत्म कहाँ पे है, तो ये लिख दिए 1, इसको रूट ओवर 1 यहाँ पे, जहाँ पे 0 है तो 0 देखेंगे, अगर ये नहीं रहता तो ये देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा r by n का क्या स्क्वायर। अब 1 by n को क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 बाय n की जगह पे h लिखेंगे, ये हो गया r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ठीक है, सही है। ये हो गया h, और ये कितना होगा r बाय n की जगह पे क्या लिखे r h का ये लिमिट कितना हो गया, ये 1 बाय रूट ओवर r h की जगह पे क्या लिखे x स्क्वायर, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर किसका होता है, एक बार क्या पुट करेंगे 1 साइन इनवर्स 1, एक बार क्या साइन इनवर्स 0, 1 माने साइन कितना डिग्री होता है 5/2, ये हो गया 5/2 आंसर, यहाँ पे क्या होगा x tends to